नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपन कक्षा 6 की कार्य पुस्तिका के कार्य पत्रक 3 पर बातचीत करने जा रहे हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे 6 अंकीय संख्याओं के विस्तारित रूप को किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसके बारे में अपन ज्ञान प्राप्त करेंगे। पिछले कार्य पत्रक में अपन ने 6 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान के बारे में समझ विकसित की थी। स्थानीय मान को कैसे किया जाता है और किस प्रकार से स्थानीय मान से संख्याएं बनाई जाती हैं, ठीक है। आज के इस कार्य पत्रक में अपन क्या करेंगे, 6 अंकीय संख्याओं के विस्तारित रूप को लिखेंगे और उनके शब्दों को या उनकी संख्याओं का निर्माण करेंगे। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न जो है अपने पास सीधा सा आ रहा है, स्थानीय मान के आधार पर संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। पहला वाला लिखा है अपने को 886,032। देखे तो ठीक है, 8 को किससे गुणा करना है, लाख, 1 लाख से। फिर 8 को अगला वाला जो 8 आ रहा है इसको किससे करना है, 10,000 से गुणा करना है, तो ये 80 हो जाएगा। 8 लाख हो गया, ये 80,000 हो गया। फिर 6 को 1,000 से गुणा करेंगे तो 6,000 हो जाएगा। फिर 0 को किसी से भी गुणा करें, सैकड़ा पे है तो 100 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। 3 को दहाई से यानी कि 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 × 3 हो जाएगा 30। और 2 अंक में अंतिम में 2 × इकाई, तो देखो यहाँ पर लाख वाले स्थान पर जो आ रहा है उसको अपन कितने जीरो वाले संख्या से इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1,000 वाला जो नंबर है उसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे, उसको अपन 10,000 वाला अंक जो है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1,000 वाले को अपन 1,000 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। और सैकड़ा वाले को अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर लिखेंगे। दहाई वाले को अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे। इकाई वाले को अपन 1 से गुणा करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। चलते हैं, देखो अब ये है 357,278। तो 3 को 1 लाख से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 लाख, पीछे 5 जीरो लगा दीजिए आप, ठीक है। फिर ये आ गया 57,000 है ना, तो इसमें से 5 को, इस वाले 5 को अपन 10,000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000, पीछे 4 जीरो लगा दीजिए। जितनी संख्याएं पीछे हैं उतनी जीरो उसके पीछे भी आएगी। फिर 7 के पीछे 3 संख्या है तो 3 जीरो इसके साथ लगा दीजिए। 7 के पीछे 3 संख्या, 3 जीरो लगा दिया। 2 के पीछे 2 संख्या है तो ये हो गया 200, और 7 के पीछे 1 संख्या है तो ये हो गया 70, और पीछे 8 के पीछे कुछ नहीं है, निकी 8 ऐसे का सा आ जाएगा। ये इसका विस्तारित रूप बन चुका है। 4 के पीछे 5 संख्या है तो 4 के पीछे 5 जीरो लगा देंगे, 3 4 5 हो गया 4 लाख। फिर 56,000, 56 में 5 के पीछे 4 संख्या है तो 4 जीरो आ जाएगा, ये आ गया 50,000। फिर 6 के पीछे 3 संख्या है तो 6,000 हो जाएगा। 3 के पीछे 2 संख्या है तो ये हो जाए, सॉरी यहाँ पर 3 के पीछे 2 संख्या है तो 300 हो जाएगा। 8 के पीछे 1 संख्या है तो ये 80 हो जाएगा, दहाई वाला अंक है। 7 के पीछे 1 ही संख्या है, यानी कि 7 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। फिर से चलते हैं, अब गए वाले में 521,801 कितना है, 521,801। 5 के पीछे कितनी संख्या है, 5 के पीछे संख्या है 5 है तो 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ये तो हो गया 5 लाख हो गया। 2 के पीछे संख्या है 1 2 3 4, तो 2 के पीछे 4 जीरो लगा देते हैं, ये हो गया 20,000। 1 के पीछे 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा देते हैं, ये 1,000 हो गया। 8 के पीछे 2 संख्या है तो ये हो गया 800, ठीक है। और 0 के पीछे 1 संख्या है तो 0 को 0 लिख देते हैं, 1 के पीछे कोई संख्या नहीं, 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो हो गया 521,801 का विस्तारित रूप। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, संख्याओं के स्थानीय मान को जोड़कर कुल संख्या बॉक्स में लिखें। ऐसे इसने लिखी हुई है, सबसे पहले इकाई वाली संख्या देखो, इकाई में 4 आ रहा है तो इकाई के अंक पर 4, दहाई में 3 आ रहा है तो 3, सैकड़ा है नहीं तो 0, 1,000 है तो उसकी जगह पे 4, 10,000 नहीं है तो उसकी जगह पे 0, और लाख वाले स्थान पर 7 है। ऐसे इस टाइप से लिख दिए हैं इनको। अपन भी चेक करते हैं, इकाई के स्थान पर अपने पास 4 है, दहाई का स्थान नहीं दिया है इसमें तो ये 0, ठीक है। सैकड़ा का स्थान भी नहीं दिख रहा है अपने को, फिर से 0, इकाई का आया अभी तक तो, है ना, दहाई और सैकड़ा 0 हो गया। 1,000 वाला स्थान पे कुछ नहीं है
10,000 वाले स्थान पर 90 है, तो ये 90 लिख देते हैं, ठीक है। लाख वाले स्थान पर 3 है, तो बन गया 3,90,004। चलिए आगे देखें, इकाई वाले स्थान पर 3 है तो 3 लिख दिया अपन ने, दाही वाले स्थान पर 4 है तो 4 लिख देते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, इकाई वाले स्थान पर 8 है, गलती से मिस्टेक हो गया, इकाई वाले स्थान पर 8 है लिख दिए मैंने, दहाई वाले स्थान पर 4 थे, सैकड़ा वाले स्थान पर 3 है तो इस सैकड़ा वाले स्थान पर 3 लिख दिए, हज़ार वाला है नहीं तो 0, 10,000 वाला है नहीं तो 0, लाख वाला 9 है लिख दिया, 9,00,348 आंसर बन गया अपना। चलिए आगे चलते हैं, गह वाले में आगे वाला है, इकाई वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दहाई वाला, इकाई वाला नहीं दिख रहा है तो 0, दहाई वाला दिखा है ये है 2 तो लिख दिए 2, सैकड़ा वाला नहीं दिखा है 0, हजार वाला 4, 10,000 वाला नहीं है 0, लाख वाला है 5, तो 5,04,020 इसका आंसर बन गया है अपने पास, ठीक है। अब देखो इसमें सीधा सा दिया है, अपने पास इकाई वाला नहीं है तो 0, दहाई वाला नहीं है तो 0, सैकड़ा वाला है 8 तो ये सैकड़ा वाला लिख दिया 8, हजार वाला है 1 तो लिख दिया 1। अब ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख वाला है तो 10,000 वाला भी नहीं है, लाख वाला लिख दिया 9,01,800 आंसर आ गया। ये देखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये तो हजार वाला है, हजार वाला इकाई यानी 0, दहाई भी 0, सैकड़ा भी 0 और हजार वाले पे 6, ठीक है। और ये 10,000 वाला है, 10,000 वाले को लिख दिया तो ये बन गया 46,000। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। चलो नेक्स्ट है ये 6 वाला, इसमें देखो इकाई के स्थान पर 2 है, दहाई वाला नहीं है तो 0, सैकड़ा वाले स्थान पर 2, हजार वाले स्थान पर 8, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000 वाले स्थान पर 0 और लाख वाले पर 1, ठीक है, 1,08,202 ये अपना आंसर बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा और आगे आगे वाले प्रश्न में देखिए, तीसरे प्रश्न में है, नीचे दी गई संख्याओं को देखें, ग्रेटर देन, बड़ा, लेस देन, छोटा और बराबर के चिन्ह का प्रयोग करें। चलिए देखते हैं, ये है संख्या, मैं बना देता हूँ, ये बन गई, इकाई के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर भी 0 है, सैकड़ा के स्थान पर 3 है, हजार के स्थान पर 7 है, ठीक है, 10,000 के स्थान पर 4 है और लाख के स्थान पर 5 है, 5,47,300, ठीक है। और ये है 5,33,799, तो 5,47,000 वाली संख्या बड़ी है इसीलिए खुला वाला मुँह 5,47,000 की तरफ। अब आ जाइए दूसरी संख्या के बारे में बात करते हैं, इस विस्तारित रूप के बराबर की संख्या भी लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी रहेगी अपने को। इकाई के अंक की संख्या 7 है, दहाई के अंक की संख्या 9 है, सैकड़ा पर 5 आ रहा है, हजार पर 2 आ रहा है, 10,000 पर कितना रहा है, 15,000, 15,000 और 2 17,000 हो गया, ठीक है। इस टाइप से संख्या, ये यहाँ पर लाख होना चाहिए, ये लाख होना चाहिए, एक जीरो और रहनी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो अपना मिस्टेक हो जाएगा। फिर से इसको सही कर लेते हैं, इकाई के अंक पर 7, दहाई पर 9, सैकड़ा पर 5, हजार पर 2, 10,000 पर कुछ नहीं है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 हो रहा है ना फिर तो ऐसे, तो ये 15,000 ही रहेगा, इसको फिर से अपनी तरफ से हटा देते हैं अपन, 15 और 2 17,000 ही हैं, है ना, मिस्टेक बार बार हो जा रहा है, 17,597 इस टाइप से अंक बन रहा है, ये 15,000 ये वाला था और 2,000 ये 17,000, ठीक है। और ये बना अपने पास 1,52,614, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या है 1,52,000, मैं इस तरफ ग्रेटर देन का निशान लगा देता हूँ। आगे देखिए, इकाई का अंक जो है वो कितना है, दोनों को ही देख लो, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,25,000, ठीक है। और ये कितना है, 9,02,000, तो बड़ी वाली संख्या इधर आ रही है, इधर बड़ा वाला निशान लगा दिया, 8,27,640, ये भी 8,27,640 ये भी बन रहा है 8,27,640, दोनों बराबर की संख्या है तो बराबर का निशान लगा दीजिए। इसके ख वाले प्रश्न में अपन ने ट्राई किया पर अपने से ये सही से नहीं बैठ पाया क्योंकि यहाँ पे पीछे 0 नहीं था, ये 15,000 और ये 2,000, 17,000 ही बन रहा था तो अपन ने 17,000 लिख दिया, 500
सत्यागमा, ठीक है, अपन ने अपने हिसाब से कर दिया, या तो प्रिंट मिस्टेक हो सकता है या जो भी होगा जो देखा जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 के बारे में बातचीत करते हैं। नीचे दी गई संख्या को शब्दों में लिखिए। ये लिखा है यहाँ पर 4,20,170, 4,20,170। आगे देखो 9,00,000 हो गए, 886,321, 321 ये पूरा। चलिए आगे देखिए, लाख वाला है नहीं तो ये 10,000 वाला है, 78,432, 78,000 फिर कितना है 400 432 हो गया 6,00,000, ठीक है 6,20,27,983, तो 6,20,000 ठीक है, प्लस करके 7,000 कर दिया तो ये हो गया 27,983। ये खत्म हो गया है, 20,000 प्लस 7,000 27,000 कर देना है, 9,24,201, 9,24,201 ये इस टाइप से फिनिश हो गया है। आप आज का दिनांक लगा दीजिए, आज 16 दिसंबर को जब ये बनाई जा रही है मैं उस दिन का दिनांक लगा देता हूँ, ठीक है। अपना 6 अंकीय संख्याओं का विस्तारित रूप से संख्याएं बनाना और संख्याओं से विस्तारित रूप बनाना यहीं पर ख़त्म होता है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।